अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई इमली की मज़ेदार सी चटनी। तो यहाँ इमली मैंने ली है और यहाँ मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे से, और ये अच्छे से भीग गई है। अब मैं इसकी जो सीड्स हैं वो निकाल लेती हूँ। ये सीड्स जो हैं ये हाथ की हेल्प से निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इमली की जो सीड्स थे वो निकाल लिए हैं, और ये देखिए इमली में थोड़ा सा पानी डाला है मैंने 1/2 कप, और इसको आप छान लेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए हम इसको छान लेंगे। ये देखिए इसके पल्प में अगर थोड़ा पानी डाल के इस तरह से छाना जाए तो फिर इसे बहुत सारे, ये देखिए ये जो सीड्स की जो छिलके होते हैं वो हैं, ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। काफ़ी थिक हो गया है लेकिन इसमें पल्प है अभी। ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। ये देखिए हमने साफ देखी ली है और उसमें इसको डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको छान लिया था इसलिए ये साफ सुथरा है। वैसे तो आपने इमली की चटनी बहुत सी खाई होंगी, लेकिन ये जो पका के इमली की चटनी बनाई जाती है इसकी खुशबू और इसका जायका ही और होता है। तो अब इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। ये नमक लिया हमने 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी मिर्ची, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्ची को मैंने रोस्ट कर लिया था और उसके बाद इसका पाउडर बना लिया है, इसको डाल देंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून जाएगी काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून ये मसाला जो है इसमें शामिल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गोला मिर्चें हैं इसमें, काली मिर्चें हैं इसमें, ज़ीरा है, सौंफ है, इन सब चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था, और ये 1/2 टीस्पून ये है क्योंकि इसकी बहुत प्यारी खुशबू होगी, क्योंकि जो हमने कुटी मिर्चें डाली हैं वो मिर्चें अलग हैं और जो हमने भून के डाली हैं उसकी खुशबू कुछ और है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। ये बहुत मज़े की चटनी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त, खट्टी और चटपटी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर सिरका, अगर सिरका नहीं है आपके पास तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मल आंच पर जब तक पकने देंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाती। आज की ये चटनी है बहुत मज़ेदार बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त। जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसको पकने देते हैं थोड़ा। इस मज़ेदार चटनी को आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, दही बड़ों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। आज की जो इमली की चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बनने वाली है। इमली की चटनी जो है वो बिल्कुल हल्के फ्लेम पे बनानी है आपको, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं बनानी वरना ये चिपक जाएगी। बिल्कुल हल्के हल्के फ्लेम पे आपने इसको ठीक करनी है। देखिए मैंने बिल्कुल हल्का फ्लेम खोला हुआ है और उस पर देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और हल्के हल्के से पक रही है। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये ठीक हो चुकी है। अब इसको मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। ये देखिए इमली से बनी बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बनी है, इतनी थिक बनानी है आपको, और आप इसको उठा के रख सकते हैं आराम से फ्रीज़र में किसी कांच की जार में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। अच्छी रेसिपी को और अच्छी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे ये बात। ये देखिए इमली की चटनी जो मैंने इस जार में रख दी है, अब इसको आप आराम से सेव करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगी, इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और ये बहुत प्यारी भी लगती है। कभी भी कोई चीज़ होती है वो प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, शीशे की जार में रखना चाहिए, आराम से सेफ रहती है। और इसको फ्रीज़र में रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।